आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर है। देखिए, प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है। सफाई कर्मचारी भर्ती की विज्ञप्ति जारी हुई है। कुल 13,184 पदों पर होगी सफाई कर्मचारियों की भर्ती और 20 जून से 19 जुलाई तक चलेगी आवेदन प्रक्रिया। एक बार फिर से आप सुन लीजिए, 20 जून से 19 जुलाई तक आवेदन की प्रक्रिया चलेगी। 18 से 40 वर्ष की उम्र तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। एक वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को भी प्राथमिकता मिलेगी। ये आपको जानकारी दे रहे हैं, बेहद खास प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए है। सफाई कर्मचारी भर्ती की विज्ञप्ति देखिए जारी हो गई, क्योंकि विज्ञप्ति जारी होने का ही सफाई कर्मचारियों को इंतजार भी था। आपको बताएं कि कुल मिलाकर 13,184 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती होगी। और देखिए, इस संशोधित विज्ञप्ति के लिए हड़ताल भी की गई थी सफाई कर्मचारियों की तरफ से, तमाम उनकी मांगे थी सरकार की तरफ से, वार्ता भी हुई। वार्ता के बाद जल्द ही संशोधित विज्ञप्ति भी जारी कर दी गई और अब भर्ती की प्रक्रिया शुरू। आपको बताया कि सफाई कर्मचारी भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। कुल मिलाकर जो पद है वो 13,184 पद है। अभिषेक श्रीवास्तव मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। अभिषेक, आप सफाई कर्मचारी भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है और अभी और क्या जानकारी आपके पास इसको लेकर? बिल्कुल, ये सफाई कर्मचारियों की भर्ती दूसरी बार जारी की है। पिछली बार भी जारी की थी, लेकिन उस समय भर्ती प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी। जो है सफाई कर्मचारियों ने आंदोलन किया था, जो वाल्मीकि उनकी मांग थी कि जो वाल्मीकि समाज है, जिनका ये पेशेवर काम है, उसको भर्ती में प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। इस मांग को लेकर उनका आंदोलन चला था। उनके आंदोलन के बाद जो है राज्य सरकार के ऊपरी आदेश के बाद भर्ती प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी, लेकिन पिछले दिनों वापस जब ये उन्होंने हड़ताल करी, आंदोलन चला, तो उसके बाद वार्ता हुई महेश जोशी जो इनके संरक्षक हैं सफाई कर्मचारी यूनियन के, उनके सभी वार्ता हुई। उसके बाद अब जाके 13,184 पदों पर जो है दोबारा भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है और ये 20 जून से जो सफाई कर्मचारी हैं, जो भी सफाई कर्मचारी पद पर आना चाहते हैं, वो आवेदन कर सकेंगे और उसकी जो लास्ट डेट है वो 19 जुलाई है। और इसमें इनकी वाल्मीकि समाज की यही मांग है कि जो भी भर्ती आप करें तो उसमें वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दें। ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया।